फेल क्यों लोग हो जाते हैं, उसका कारण ये होता है कि जो लोग इसके बारे में किसी को नहीं बताते, जिनके अंदर एक डर होता है। परसेंटेज अभी बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ आपको डर। डर डर क्या है? डर डर क्या है? डर हमारे अंदर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सबके अंदर डर पड़ा हुआ कि लोग क्या कहेंगे। एक बात बताइए, जब हम इसको नहीं कर रहे थे तो क्या ये डर नहीं था? था। जब भी आप कुछ नया करने का प्रयास करोगे तो हमेशा ये डर आपके सामने आएगा, लोग क्या कहेंगे। और अगर आपने उनकी सुना कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग लास्ट में राम राम सत्य है यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो भी लोग कहेंगे कि कुछ नहीं करता, बेकार है, एक ही काम को लेकर पड़ा हुआ है, इसकी तरक्की नहीं हो रही है, ये अपने काम को बढ़ा नहीं रहा है, ऐसे बोलते रहते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ करते हैं, अच्छा अब ये दुकान करेगा, अच्छा अब ये करोड़पति बनेगा, अच्छा अब इसके घर में कार आएगी, अरे आप कुछ करोगे तभी लोग कहेंगे, नहीं करोगे तभी लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। जो डर जाते हैं वो मर जाते हैं। आरसीएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जो व्यक्ति डर जाते हैं वो व्यक्ति मर जाते हैं। डरना नहीं, जाना है। प्लान, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, जाना है, प्लान दिखाना है। जो हमने आपको 6 फायदे बताए वो बताना है। उसके बाद में जो आपके पास में प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दिखाना है। उनके पास कुछ न कुछ बेच कर आना है। यदि आप नहीं निकल रहे हो ना, यदि आप नहीं जा रहे हो फील्ड में ना, आप लोगों को नहीं बता रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं, बताते हैं। आप नहीं गए, आपके टीम में या आपके परिचय में, आपके संपर्क में कोई दूसरा गया, और जब कोई दूसरा गया तो वो बता के उसको अपने टीम में ले गया। अब गलती से अगर आपके पहचान वाला आदमी किसी और के टीम में चला गया, किसी और के साथ में चला गया, तो वो नहीं गया, उसका पूरा परिवार चला गया, उसका पूरा रिश्तेदार चला गया, पूरा खानदान चला गया। इस तरह से जो आईडी लगती है, ऐसे अगर आपके टीम में यहाँ कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा ना, यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रहा ना नीचे यहाँ पर, तो ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ इसको बोलते हैं पेड़, ये पेड़ सूख जाएगा, ये सूख जाएगा। लगातार ज्वाइनिंग पढ़नी चाहिए, आपके टीम में ज्वाइनिंग पढ़नी चाहिए। अगर ज्वाइनिंग नहीं पड़ रही तो सूख जाएगा। तो डर को खत्म करो, डर हटाओ। आप सोच के देखिए, डर किस चीज़ का है? हम जब काम पे जाते हैं तो डर नहीं लगता, काम कर लेते हैं, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा डर नहीं लगता। अचानक कोई अगर बीमार पड़ गया तो पैसा कहाँ से आएगा डर नहीं लगता है। रोज़ हम नौकर बन के किसी की नौकरी कर रहे हैं, डर नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे। त्यौहार आता, सही से त्यौहार मना नहीं पाते हैं, डर नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे। गाँव जाना होता है तो चालू टिकट लेते हैं या तो स्लीपर करवाते हैं, डर नहीं लगता कि ट्रेन में अगर हमारे लोग मिल गए तो लोग क्या कहेंगे। सब्जी खरीदते हैं तो 10 दुकान पे पता करते हैं, टमाटर सस्ता कहाँ पे मिलता है 2 रुपये, तब डर नहीं लगता कि कोई देख लिया तो लोग क्या कहेगा, ये सस्ता खोज रहा मार्केट में। कोई भी सामान खरीदते हैं तो सस्ता खरीदते हैं। कमरा जो हम लिए हुए, कमरा हमारा किराए का है, पलस्तर भी नहीं है, टूटा फूटा है, या हम बेड़े में रहते हैं, तब डर नहीं लगता कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये तो ऐसे जगह में रहता है जहाँ हमारे गाँव में बकरी पाली जाती है, तब नहीं डर लगता आपको। आरसीएम के बारे में अगर हम किसी को बताने जाते तो डर लगता है, शर्म लगती है, लाज लगती है। और वहीं पर दूसरे टीम वाला आता है, बताता है, अपने साथ ज्वाइनिंग करा के लेके चला जाता है। हम तब हाय हाय करते, सोचते रहते हैं अब क्या करें, अब तो ले गया वो ज्वाइनिंग करवा के, पहले बताए होते आप तो वो व्यक्ति जब उसको बताने आता तो कम से कम ये आपका बंदा आपसे पूछता तो ना कि भैया आप भी आरसीएम कर रहे हो, तो आप बोलते क्या हुआ, अरे वो हमारा दोस्त एक था आया था, बताया, हमको समझ में आ गया, जुड़ना है लेकिन उसके साथ नहीं, आपके साथ जुड़ना है। ये तब होता जब आप उसको पहले बता के रखते, भाई मैं आरसीएम करता, आरसीएम में फ़ायदे बहुत है, आपको कभी मन करे तो मेरे से बात कर लेना। जब ये बात उनसे बता के रखोगे, प्लान दिखा के रखोगे, तब ना हो। अब कोई और आता है, प्लान दिखाता है, अपनी टीम में लेके चला जाता है, आप क्या करोगे। है कोई रास्ता? नहीं रास्ता है।
तो आप ये मत देखो, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हर तरह से तो हम टूटे हुए हैं, हर तरह से तो हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं, और गरीब की वैसे भी कहीं भी वैल्यू नहीं होती है। मेन चक्कर है पैसा, पैसों की वजह से हम गरीब हैं, और पैसे कमाने का रास्ता यहाँ बताया जा रहा है। अब सोचो, यहाँ पे मैंने बोला ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो पेड़ सूख जाएगा, आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप समझो, आपको चाहिए पैसा, पैसा से ही सब कुछ हो रहा है आज के टाइम में। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक गरीब आदमी के पास में कोई भी पावर नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है, गरीब के पास कोई भी वैल्यू नहीं है। हम इस दुनिया में, इस धरती पे कूड़े के भाव में हैं, कोई नहीं पूछता हमको। आप अच्छा कपड़ा ना पहनो और आप किसी बैंक में चले जाओ, वहाँ पे आपको काफ़ी समय लगेगा, नंबर लगाना पड़ेगा, इधर उधर भगाएंगे दौड़ाएंगे, यहाँ जाओ साइन कराओ, वहाँ जाओ साइन कराओ। और मैं आपको अपनी बात बता दूँ, मैं एक दिन गया था अपना पैन कार्ड अपडेट करवाने के लिए बैंक में, और पूरा ड्रेस में गया था, कोट पैंट टाई पूरा पहना हुआ था, सब लोगों से वो सब लगा था, अपना लेवल भी लगा था, सब कुछ लगा था। वहाँ पे मैं गया और मैंने टोकन कटा लिया, टोकन कटा के मैं बैठ गया, तो वहाँ पे जो गेटमैन था वो बार बार हमें ही देख रहा था, और वहाँ के जो कर्मचारी थे वो भी, क्योंकि उतने लोगों में लगभग 20 लोगों में हम ही ऐसा आदमी थे जो कोट पैंट टाई पहने थे और यहाँ पर स्टार गोल्ड का हमारा पिन लगा हुआ था, 20 लोग में हम ऐसे थे वहाँ पे, और सब हमें ही देख रहे कि कौन सा आदमी यहाँ किस भीड़ में बैठा हुआ है और टोकन लेकर बैठा हुआ डायरेक्ट काउंटर पर क्यों नहीं आया। अब लोगों के मन में सवाल चलने लग गया कि बंदा हमारे काउंटर पर क्यों नहीं आया। तो बार बार गेटमैन काउंटर पर जा रहा है, कैशियर के पास जा रहा है, उधर जा रहा है, सबके पास जा रहा है, आपस में कानाफूसी हो रही है। ये बस्ती की बात है, वहाँ पे गए थे और कानाफूसी होते होते फिर गेटमैन आके पूछ लिया कि सर आपको क्या काम करवाना है। मैंने कहा मुझे पैन कार्ड अपडेट करवाना है, तो बोलता आप बैठे क्यों। मैं कहा रूल को फॉलो कर रहा हूँ, जो यहाँ के रूल नियम है उसे फॉलो कर रहा हूँ, सब लोग टोकन लेके बैठे, मैं भी टोकन लिया हूँ, नंबर आएगा तो जाऊँगा। तो सलूट किया कि मैं सलूट करता हूँ आप जैसे लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं सर, आपका नंबर जल्दी आने वाला, लगवा देता हूँ। उधर गया फिर कानाफूसी किया, तो मेरा दूसरे काउंटर पर नंबर मेरा आ गया, 50 नंबर था, फटाक से उसने 50 नंबर अनाउंसमेंट किया मात्र 2 मिनट के अंदर, और बोला प्लीज़ वेलकम काउंटर की तरफ आप बढ़ें। वहाँ पर 2 मिनट के अंदर मैं वहाँ गया, मैं फटाफट अपना काम किया, दो एक जगह साइन छूट गया, तो बोलता सर फटाफट यहाँ पे आप साइन कर दो, यहाँ पे ये रह गया, साइन किया, डेट वोट मैं डाला ही नहीं था दो जगह, वो डेट अपने डाला सर, हारी हारी फटाफट मतलब भर के ओके कर दिया, और ओके करके ठीक है सर 2 से 3 दिन में सर हो जाएगा आपका, पक्का हो जाएगा बस। और मुस्कुराते हुए, कोई गुस्सा नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। तो ये चीज़ें हैं, आपके कपड़ों में ताकत होती है, जान होती है, पावर होती है। जेब में पैसा है नहीं, कोई नहीं देखता है, आपके शरीर पर कपड़ा कैसा है वो सब देखता है, आपका लुक लाइट कैसा है वो सब देखता है। अब वही जगह पे हम कोट पैंट भले पहन लेते, हमारे बाल बड़े बड़े होते, हम यहाँ पे बाली वाली पहने होते, मूछ रखाए होते, उल्टा पुल्टा सिस्टम अपने चेहरे पे लगा लिए होते, बाल को कलर करा लिए होते, कोई वैल्यू नहीं करता वहाँ, वो समझ जाता कि फटीचर आदमी है, कपड़े से बस सही है, समझ गए। तो अपनी लुक लाइट, अपनी हुलिया हालात ऐसा बना के रखो ना, जहाँ भी जाओ आपको पहले नंबर पर आपका काम हो जाना चाहिए। आपके कपड़ों से आपकी पहचान होती है, आपकी वैल्यू होती है, तब आपको पैसा आएगा। RCM में अगर इस तरह से आप प्लान दिखाने जाते हो लोगों को, तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, आपके साथ लोग चलेंगे, क्योंकि आपके कपड़ों में ताकत है। कपड़ा बाली है, रामायण का बाली, बाली ऐसा था वो जिसके सामने खड़ा हो जाता था उसकी आधी शक्तियों को खींच लेता था, बाली। तो आपके कपड़ों में ताकत है, आप अपना कपड़ा जरूर एक सिलवाइए, कोट पैंट हो सके तो बनवा लीजिए आप। अगला महीना हम लोग का टारगेट का महीना सितंबर का, और इस महीने में अगर हमने अपना टारगेट नहीं पूरा किया तो अगले महीने टारगेट पूरा नहीं होने वाला। अगले महीने में सबकी पिन चेंज हो जाती है, 90% लोगों की पिन चेंज हो जाती है, जितना बिजनेस उसका डबल बिजनेस चला जाता है। टारगेट महीना हमारा नहीं, पूरे कंपनी का टारगेट होता है सितंबर में, तो ये महीना भी हमारा टारगेट, क्योंकि ये महीना पिछले महीने से कम जाने वाले नहीं। अगर आप PV कम कर रहे हैं तो आप ज्वाइनिंग करवा दीजिए, आप 5000 PV किए थे, इस महीने अगर आप 5000 नहीं कर रहे हो किसी कारण, तो आपको ज्वाइनिंग करवाना है, अपना 5 पूरा करके ही रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे, इस बात को आप जब सुन लें जब मान लें तभी ठीक है आपके लिए। 5000 नहीं कर पाते हैं, अगर 5000 करते थे और 5000 कर रहे हैं उसके बाद ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, फिर तो समझ लीजिए आप एक नंबर के लीडर हो, एक नंबर के आप लीडर हो, सुपर हो, कि हम 5 किए थे सर, 5 इस महीने भी कर रहे हैं, और 5 के साथ हमने ज्वाइनिंग भी करवा दिया 2-3 लोगों की, क्योंकि 5 ज्वाइनिंग बोली गई थी, 5 लोग की ज्वाइनिंग करवाओगे तो आपको शानदार होटल में लेकर के चलेंगे, वहाँ बैठ करके खाना पीना होगा हमारा, और वहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ बहुत कुछ आपको देख करके भी आना होगा, वहाँ से बहुत कुछ लेकर आओगे आप वहाँ पे, कि अमीर लोग की ज़िंदगी क्या होती है, कैसे होती है, अमीर सब कैसे जीते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या लाइफ होती है इनकी। ऐसे लोग में जाओ ना एक बार, घूमो ना, पता लग जाएगा।
तो 5 लोग की ज्वाइनिंग करवाना है। ये टारगेट आप सबको दिया गया कि 5 ID आपको लगा देना है। और अभी भी आपके पास में 15 दिन बचा हुआ है। 15 दिन तो चलो किसी तरह से निकल गया, अभी 15 दिन बचा हुआ, पूरे 15 दिन, 2 हफ्ते बचे हुए, और ज्वाइनिंग मात्र 5 लोगों को करनी है। आपके अंदर अगर आग नहीं जल रही ना, आग, घबराहट नहीं हो रही ना, घबराहट कि मुझे प्लान दिखाना, मुझे होम मीटिंग करवाना, मुझे ज्वाइनिंग करवाना, मुझे लोग चाहिए, अगर घबराहट नहीं हो रही ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तड़प नहीं आपके अंदर ना, तड़प नहीं रहे हो ना आप, गरीबी से बाहर निकलने की तड़प नहीं है ना आपको, नौकरी से छुट्टी पाने की तड़प नहीं है आपको ना, आग नहीं है ना, घबराहट नहीं हो रही ना आपको, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। फिर आप वहीं पर रह जाओगे नौकरी में। घबराहट होनी चाहिए आपको, तड़प होनी चाहिए। जैसे पानी में से मछली को निकाल दो बाहर तो तड़पती रहती ना, जल्दी पानी मिल जाए, वैसे आपको तड़प होनी चाहिए। मुझे लोग मिल जाए, मुझे प्लान दिखाने को मिल जाए, मुझे आईडी मिल जाए, मुझे लोग ज्वाइनिंग करवा दो, तड़प होनी चाहिए आपके अंदर। अगर ये तड़प अब नहीं हो रही तो ज़िंदगी भर तड़पोगे, तड़प के ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ के लिए तड़प जाओगे, अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए तड़प जाओगे, अच्छा खाना खाने के लिए तड़प जाओगे, अच्छे कपड़े पहनने के लिए तड़प जाओगे। क्यों? क्योंकि आज अगर आपके अंदर तड़प नहीं हो रही ना, आज घबराहट नहीं हो रही ना टीम बनाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, तो ज़िंदगी भर तड़प कर ख़त्म होगी। मेरे अंदर तड़प थी, तड़प, घबराहट थी, मुझे करना है, मुझे इस जंजाल से बाहर निकलना, मुझे इस कचरे से बाहर निकलना। यहाँ कैसे लोग काम करता है, इतना खो उड़ता, इतना कपड़ा, शाम को अगर आओ ना, नाक छिनको नहीं देते, इतने खो निकलते कपड़े के, खो नाक में से भरे भरे से ऐसे निकलते, कितने की तो बीमारी हो जाती फैक्ट्री में काम कर। तो उसमें से निकलने का रास्ता यही था मेरे पास में कि प्रमोद तू ज़्यादा प्लान दिखाओ, ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराओ, ज़्यादा होम मीटिंग करवा दो, ज़्यादा लोगों को मीटिंग में बैठाओ, सेमिनार में बैठाओ, ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर चलना शुरू कर दो, उनका विजन क्लियर करा दो, तुम आज़ाद हो जाओगे। और मैंने यही किया, करते 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 3 साल मुझे लग गया, 3 से 4 साल जाते जाते मैं अपने आप को आज़ाद करवा लिया नौकरी से, नौकरी लाइन से खुद को बाहर खींच लिया। आपको तड़प ही नहीं, आपने जूम मीटिंग सुना, होम मीटिंग सुना, सेमिनार में गए, 2 दिन करंट रहा, उसके बाद खत्म, देखेंगे, सोचे कल प्लान दिखा देंगे, परसों होम मीटिंग, अगले संडे होम मीटिंग करवा लेंगे, कोई बात नहीं बाद में फ़ोन कर देंगे, जाने दो, नहीं जुड़ता है तो छोड़ दो। ये है सच्चाई। थोड़ी देर में करंट खत्म हो जाता और इसकी वजह से आपका नुकसान है, आप वहीं के वहीं नज़र आते हुआ। आप खुद से पूछो दिल पे हाथ रखकर कि आप लोगों ने कितने लोग की ज्वाइनिंग करवाई है, कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है, आपके प्लान दिखाने से कितने लोग ज्वाइन हो गए वो बताओ। आपके प्लान दिखाने से मैंने 5 लोग को ज्वाइनिंग करा दिया अपने प्लान से, 5 ज्वाइनिंग मेरी अपनी खुद की प्लान दिखाया, ज्वाइन हो गए लोग। अब बताओ, एक ऑनलाइन भी कराया हूँ, डॉक्यूमेंट मेरे पास आया हुआ सर, इतने दिन में मैंने करा दिया, 5 से ज्वाइनिंग करवा दिया, और भी ज्वाइनिंग होने वाली, मेरा खुद के प्लान से, आपका कितना हुआ ये आपको चेक करने की जरूरत। और तड़प नहीं होगी आपको ना, बाहर निकलोगे नहीं, लोगों से मिलोगे नहीं ना, ये लोग क्या कहेंगे बाद में, राम राम सत्य है, यही सबका अगत है, चल भैया इसकी नैया पार, वो यही कहेंगे, और कुछ नहीं कहते वो लोग, कुछ नहीं कहता कोई, कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है, कुछ नहीं देगा आपको कोई, करोगे तो ना करोगे तो आपको मिलेगा, करोगे तो आपको मिलेगा, ना करोगे तो भी आपको ना मिलेगा। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग सिर्फ कानाफूसी करते हैं, ताने मारते हैं, बोली बोलते हैं, यही करते हैं। और गरीब आदमी की वैसे भी कहीं वैल्यू नहीं, वो इधर फुटबॉल है, इधर से लात लगती, उधर से लात लगती, इधर जाता फुटबॉल जैसी जिंदगी है। तड़प नहीं आपके अंदर ना, आग नहीं आपके अंदर, जुनून नहीं आपके अंदर, सपना बड़ा नहीं आपका ना, इसलिए आप जाते नहीं, बताते नहीं किसी के पास, वो प्लान दिखाते नहीं है, कहाँ से ज्वाइनिंग होगी, कहाँ से लोग आपके तैयार होंगे। अब चलिए परसेंटेज बताता हूँ, तड़प जगाइए आप। अगर 100 PV से लेकर, यहाँ मैं लिख देता हूँ PV, 100 से लेकर के 1499 अगर आप करते हैं, 100 PV से लेकर 1499 PV अगर आप करते हैं, तो आपके 6 महीने का कितना, 6 माह का टोटल 12% प्रोडक्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रोडक्ट। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। हाँ अब ठीक, 100 PV से 1499 PV अगर आप करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, यानी 1500 PV से कम ही रहता है, कभी कभी 1500-2000 भी हो जाता है, लेकिन फिर वो 1400-1500 से नीचे PV पे आ जाता है, तो उसको यहाँ पर जो मिलेगा पैसा वो 12% के हिसाब से आपको मिलेगा, क्लियर। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति लगातार 5000 PV करता है, 1500 PV, या मैंने बोला था 5000 PV या फिर 1500-2500 अगर PV करते हैं, तो यहाँ पर आपको 50% से 60% आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 50-50% मिलेगा, 50-60%। आप बात समझ गए, जो खरीदारी आप करते हैं उसका 50% यहाँ बता रहा हूँ, मतलब 1500 मतलब 15 में 100% हो गया, नहीं तो 1500 का प्रोडक्ट लाए, 1500 का आपका सामान मिला फ्री, अगर 1500 PV की आप तो यहाँ पे 100%, लेकिन जो खरीदारी किए थे आप 3000 की, तो 1500 PV बना, तो यहाँ पर ये बताया जाता है 50 से 60% 50 से 60% प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि आपने 2500 PV किया।
5000 का सामान लिया, 2500 पीवी हुआ, तो 5000 का 50% कितना हो, 2500, तो यहाँ पे 50% न्यूट्री चार्ज है तो बढ़ जाता है, 60% हो जाता है। इस तरह से आपको मिलेगा, जो भी आदमी 100 पीवी से ज़्यादा और 1499 पीवी यानी 1500 पीवी से कम हर महीने 6 महीने लगातार करते हैं, उन्हें 12% से लेकर 16% का प्रोडक्ट फ्री में दिया जाएगा। जो व्यक्ति 100 पीवी से भी कम करते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा प्रोडक्ट फ्री। अगर लेवल बड़ा है तो पैसा आएगा, जब करोगे तब आएगा, क्लियर। जो भी कोई भी पीवी करते हैं, 1500 से कम करते हैं, कोई ऐसा दिन आया आपने 100 पीवी भी नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा दिन तब आएगा जब आपके घर में नमक तेल मसाला नहीं यूज होगा किसी महीने में, तो फिर आप सामान नहीं लेंगे, क्लियर। तो इसलिए 100 पीवी से कम हुआ तो कुछ नहीं आएगा। अगर 6 महीना में कोई एक महीना डिसबैलेंस हो गया तो उसका डबल करना होगा दूसरे महीने। जैसे आप 1500 पीवी करते थे लेकिन इस महीने आपने 1000 पीवी किया, 500 पीवी आपका छूट गया, अब दूसरे महीने इस 1500 पीवी को रिकवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2500 पीवी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 500 का डबल करना होगा 1000, और आप 1500 करते ही थे तो 1500 ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2500 पीवी करना होगा, तब जाकर आप 1500 पीवी वाले में सेलेक्ट हो सकते हैं। और ये एक बार ही चांस मिलता है, दोबारा चांस नहीं मिलता, क्लियर, एक बार ही चांस मिलता है। तो चलिए, हम लोग 28 लोग हैं, इसमें बहुत लोग कम हैं, और जो लोग कम हैं वो आप सबकी जिम्मेदारी है। हमने तो अपना काम किया, हमें जितना चिल्लाना था बताना था हमने वो सारी बात बताई। तड़प जगाओ, भूख जगाओ, सपने को जगाओ, बड़ा सोचो, बड़ा करने के लिए उतर पड़ो, ठीक है ना। नहीं कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे, कुछ अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, तो अच्छा यही है कि ना करने से अच्छा है कुछ कर जाओ, ना से अच्छा है कुछ कर जाओ। नहीं करोगे तो क्या करोगे, जो करते हो वही करोगे, क्यों, क्योंकि 24 घंटे मिला हुआ है और 24 घंटे में 12 घंटे काम 12 घंटे आराम, यह है गरीब की जिंदगी, क्लियर, ये गरीब की जिंदगी। तो इस तरह से आप जिंदगी को ना जियो, ठीक है ना।